दोस्तों आज कुछ गलत फहमियाँ दूर करूंगा सौर ऊर्जा के बारे में। पहली गलत फहमी यह है कि हम सोचते हैं कि सौर ऊर्जा की एफिशिएंसी जो है, जो सोलर पैनल हैं जो हम यूज़ करेंगे उसकी एफिशिएंसी बहुत कम होती है, मतलब 15 से लेके 17% 18% तक सोलर की एफिशिएंसी होती है। तो एक बात मैं आपको बता दूं कि जो हमारी बिजली आती है, देखो सोलर क्या है, सूरज से रोशनी मिली मेरे पास तक पहुंची, मैंने यूज़ करा, वो एफिशिएंसी 17 से 18% होती है। उसी संदर्भ में अगर मैं देखता हूँ, अगर कोई बिजली ग्रिड में बनी है, जहाँ मेरी बांध है वहाँ अगर बिजली कोई बनी है और वो मेरे पास तक आती है, तो वो भी उसका परसेंटेज भी यही रहता है, 17 से लेकर 18% है। एक मोटी भाषा में यह है कि अगर ग्रिड में 6 वॉट बिजली बनी है तो मेरे पास 1 वॉट बिजली बनेगी, मैं यूज़ कर पाऊँगा 1 वॉट बिजली। वहाँ 6 वॉट बनी है, यहाँ मैं यूज़ करूँगा 1 वॉट, तो मेरा रेशो वही बैठता है 15-16-17 के आसपास रेशो, तो कोई एफिशिएंसी कम नहीं है, बराबर ही एफिशिएंसी होती है। महंगाई की बात करते हैं, हाँ इसकी इनिशियल कॉस्ट जो है वो बहुत महंगी होती है एज़ कम्पेयर टू बाकी चीज़ें, लेकिन अपने ये कॉस्ट एक साल के अंदर रिकवर कर लेती है और ये 25 साल तक की इसकी लाइफ होती है। मतलब ऐसा नहीं है कि ये 25 साल बाद भी ख़राब हो जाएगी, 25 साल बाद भी इसकी परफॉर्मेंस अगर 100% थी तो 90% रहेगी, 95% रहेगी, बिल्कुल ख़राब तब भी नहीं होती है। तो ये महंगी नहीं है, हाँ इनिशियल इन्वेस्टमेंट थोड़ी इसकी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू सिर्फ हम एक बिजली का कनेक्शन ग्रिड से ले लें, वो सस्ता पड़ता है ये, लेकिन लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो ये बहुत सस्ता है, ये फ्री के मिल रही है। शुरू में इन्वेस्टमेंट है पर ये वो इन्वेस्टमेंट ये एक साल के अंदर रिकवर कर लेती है, कितना भी बड़ा प्लांट लगा हुआ 1-1.5 साल में सारी इन्वेस्टमेंट हमारी रिकवर हो जाती है। तीसरा मिथ ये है कि हमको ये जगह बहुत घेरता है सोलर पैनल, ऐसा नहीं है। हमें अगर 1x1 की बात करूँ मीटर स्क्वायर की, मतलब 1 मीटर x1 मीटर की बात करूँगा, तो हमें तकरीबन ही तो 150 या 200 वॉट मिल जाती है, और इतना बहुत ज़्यादा होता है एक एरिया के हिसाब से, तो ये एरिया भी ज़्यादा हमारा कवर करती है, ज़्यादा नहीं लेती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ सोलर के डाउट्स क्लियर हुए होंगे इससे। अगर इसके बाद भी कोई डाउट आपके मन में बचा है तो आप मुझे कमेंट करें, मुझे बताएं। थैंक यू।